कन्नौज में दशहरा के अपेक्षा सर्पपूर्णिमा वाले दिन ही रावण फूंका जाता है। हमारे साथ में इतिहासकार डॉक्टर रमेश कुमार तिवारी जी मौजूद हैं। कन्नौज में रामलीला की परंपरा 130 वर्ष पुरानी है। कन्नौज में जब रामलीला प्रारंभ हुआ था तब आसपास के जनपदों में रामलीला नहीं होती थी और आसपास के जनपदों से भी लोग यहाँ रामलीला देखने आते थे। शरद पूर्णिमा का दिन कन्नौज की गंगा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण था कि आसपास के जनपदों से लोग गंगा स्नान करने हजारों की संख्या में यहाँ आते थे। इसलिए व्यापारिक दृष्टि से कन्नौज के पूर्वियों ने ऐसा निर्णय किया कि हम यदि शरद पूर्णिमा के दिन रावण वध आयोजित करेंगे तो जो बाहर से जनमानस आता है उसे इसका लाभ प्राप्त होगा और उनके आगमन से पर्यटन का और कन्नौज के इत्र का क्रय विक्रय भी होगा, उससे व्यापारिक लाभ कन्नौज को प्राप्त होगा। रमेश कुमार तिवारी जी ने बताया कि यहाँ पर जो है शरद पूर्णिमा वाले दिन ही रावण का दहन होता है और जो परंपरा चली आ रही सदियों से वो यहाँ पर निभाई जाती है। कन्नौज से ईटी भारत के लिए पंकज श्रीवास्तव।